दिखाइए एडमिशन में जैसे एडमिशन होता है मान लीजिए किसी बच्चे ने बी कॉम का एडमिशन फोटो खींचे मार्क्स लेकिन सिल्यूट आज के लिए 45% मार्क्स चल जाए फॉर एग्जाम्पल ठीक है। अब उस बच्चे ने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया हायर इंडेक्स है लेकिन उसका जो इंटरमीडिएट में जो मार्क्स हैं क्वालिफाइंग वो 45% उस बच्चे को जनरल कैटेगरी में हायर इंडेक्स होते हुए भी लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बात तो सुनेंगे ना अभी बात समझ में आएगी। ऐसे यहाँ पर जो है नेट क्वालिफिकेशन है मिनिमम ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर किसी ने शेड्यूल कास्ट में या ओबीसी कैटेगरी में लिया नेट भी कैटेगरी वाइज आता आप लोग जानते होंगे जनरल नहीं होता नहीं 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 सर 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 ये लेटर है यूजीसी का यूजीसी ने अपनी गलती मानी और ये लेटर देखिए ना सर मेरी बात सुनो अब 18 का सर्टिफिकेट यूज से बात खत्म हो जाएगी या तो मैं आपको दिखा दूंगा या मेरी बात देखिए एक मिनट रुकिए रमन जी मैं आपको बताऊँ जो आप कह रहे हैं आईएएस कैडर का नियम यहाँ पे लगाएंगे एडमिशन का क्या आपने प्रोसीजर फॉलो किया है वो भी गलत है मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पे लगाएंगे उसके लिए आगे पहले ही हम कंप्लेंट कर चुके हैं इसमें जो पहले कैटेगरी लिखा है ये हमने दूसरी बात जवाब बता रहे हैं कितने धूर्त हैं जैसे आप प्रोफेसर जो धूर्त हैं उसी टाइप को भी धूर्त हैं कानून बना के करेंगे जो यूजीसी की गाइडलाइन आईटीआई समागा किसके आदेश से आप लिख रहे हैं बोले किसी आदेश से नहीं यूजीसी का किसी अधिकारी का आदेश कास्ट लिखने का वर्ग लिखने का कोई आदेश नहीं अपने मनमानी लिख रहे थे और फिर ये जब एआरटीआई से जवाब आया कि किसी का आदेश ही नहीं है करोगे या नहीं करोगे जब उसने कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट जारी करना शुरू किया था उसके बाद में विरोध हुआ सांसदों ने लिखा छात्रों ने लिखा वो बंद है नंबर एक और उसके आधार पे कहीं पे भी नियुक्तियों का प्रावधान नहीं है
कहीं का नियम लाके कहीं पे बंद तो मैं देखा हूँ ना, पता जो मुझे बताया गया नियम सर, प्रोफेसरों की नियुक्ति में यूजीसी का रेगुलेशन है, प्रोफेसरों की नियुक्ति में यूजीसी का, प्रोफेसर नियुक्ति में नहीं लगा सकते ना सर। ठीक है सर, आप